आती होगी कि हाँ मैम अब हम, हम ज्योमेट्रीज बना सकते हैं हाँ मैम अब हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हाँ मैम नाउ वी नो सो मेनी थिंग्स और आज इसका हम क्या करने वाले हैं वाइंड अप करने वाले हैं इस चैप्टर को ठीक है और नेक्स्ट एज पर योर डिमांड्स जैसे कि मैंने आप लोगों से आपके फीडबैक्स मांगे थे आ, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मेरे पास वोटिंग आई तो नेक्स्ट क्लास लग चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के और फिलहाल आई थिंक आई एम विजिबल एंड ऑडिबल Yes, आई एम ओके सो बच्चों जल्दी से इस क्लास का लिंक शेयर कर दो क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इस क्लास में साथ साथ याद भी करने वाले हैं बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। uh, Highest मेल्टिंग पॉइंट lowest melting मेल्टिंग पॉइंट ऐसे करके बहुत डेटा है जो आज हमको क्या करना है साथ साथ में याद भी करना है ठीक है तो आई एम गेटिंग स्टार्टेड ऑफ ठीक है यहाँ आपको आना है आई आई टी आपको जाना है उसके लिए यहाँ जेई के सारे एडुकेटर्स लगे हुए दिन रात लगे हुए हैं आपको पूरा सपोर्ट रखना है ठीक है आपको अच्छे से आना है रेगुलरिटी बहुत बड़ी चाबी होती है

तो अभी नहीं होगा स्टेज तो महीने डेढ़ महीने बाद हो जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है ऑल राइट right, मेरे बच्चों हाई फरिहान गुड बेटा हाय बेटाई हाय आदित्य हाय 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 कंचन सिंह हाँ, हाँ बेटा तो कुछ रेग्युलर बच्चे अभी अरिहंत नहीं आया है मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं जो मुझे हम हाँ मिसिंग दिखाई दे रहे हैं हाय रोहित ठीक है तो बस आप तो एक पॉजिटिव फीलिंग रखा करो है ना हाँ हाय देखो अरिहंत अब बोला हाय बिटू तो आप तो एक पॉजिटिव फीलिंग रखा करो और अच्छे से पढ़ाई हमको करनी है बस दैट्स इट जो चीजें समझाई जा रही है उनपे अच्छा कमांड हासिल करना है दिस इज द मेन थिंग ओके तो स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग तुम्हें पता है बैक बॉन्डिंग होता क्या है इट इट नथिंग स्पेशल जस्ट कि जब कोई एटम अपने लोन पेयर्स को बगल के एटम के खाली ऑर्बिटल्स में ठूस दे तो इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं मैं फिनोमिना भी तुमको अच्छे से समझाऊंगी और इस फिनोमिना का इम्पैक्ट किस किस प्रॉपर्टी पे पड़ता है वो बहुत ज्यादा जानने वाली चीज है ठीक है बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है जब कोई एटम अपना लोन पेयर ठीक है जिस आइटम से वो बॉन्डेड है उसके अंदर थूस दे मतलब बेसिकली उसके होना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है इसकी दूसरे के पास में खाली ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए भाई है ना एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए खाली ऑर्बिटल अरे भैया चालू करना भूल गई खाली ऑर्बिटल तो वेकेंट ऑर्बिटल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है तो पहला हमारा फंडा यही है कि एक के पास लोन पेयर होगा दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे मैं पूछूंगी अभी बॉक्स के अंदर कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट क्या है क्या रिक्वायरमेंट है बैक बॉन्डिंग का आपने जवाब देना है कि मैम एक के पास लोन पेयर होना चाहिए दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स ठीक है दूसरी चीज

थर्ड पॉइंट बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज द बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब इंपैक्ट क्या पड़ता है बेटा बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड लेंथ हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड मजबूत हो जाता है अगर एक दो रिश्ता साथ साथ तो मजबूत हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एंड बॉन्ड लेंथ घट जाएगी प्लीज इसको ध्यान रखिए मैं भी आपका ओरल टेस्ट लूंगी तो ये जरूर पूछूंगी कि इसका क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपने बोलना है बॉन्ड स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बेटा डिपेंड करता है जब साइज बराबर हो जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है अगर उनके साइज बराबर हैं तो बैक बॉन्डिंग मजबूती से होती है अच्छे से होती है और अगर बड़े छोटे साइज के एटम्स होंगे तो फिर बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी तो मैंने आपको इस स्लाइड पे चार पॉइंट्स पढ़ाए कि बैक बॉन्डिंग है क्या बहुत सिंपल चीज है एक एटम के पास लोन पेयर है दूसरे एटम के पास खाली ऑर्बिटल है लोन पेयर वाला एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो दूसरा एलिमेंट है जिसके पास खाली ऑर्बिटल्स है खाली ऑर्बिटल्स में ठूस दे अपने इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट आता है बढ़िया हो जाती है इससे बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट आ जाता है छोटी हो जाती है ठीक है उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें डोनर आइटम कहाँ का होना चाहिए मोस्टली सेकेंड पीरियड का एक्सेप्टर कहाँ का होना चाहिए सेकेंड या थर्ड पीरियड का ठीक है और उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग तब ज्यादा होती है जब दोनों पार्टिसिपेटिंग आइटम्स एक जैसे साइज के हो, अब ये देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ बोरॉन के ट्राईट्स में बड़ी प्यारी बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है ठीक है तो ये मैं तुम्हें समझाती हूँ देखो अगर मैं बी एफ थ्री की बात करूं तो ये है बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर रहता है यू नो वेरी वेल कि यार मैम फ्लोरीन पे तो तीन तीन लोन पेयर होते हैं यू नो इट ना कि फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर्स होते हैं थ्री लोन पेयर्स होते हैं देखो जरा एक दो एंड तीन एक दो एंड तीन बोरॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है 1S2, 2S2, 2P1, अगर एक्साइटेशन ये करेगा तो बोरॉन के टू एस में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और टू पी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो भी एक खाली बचेगा कैन यू सी दैट कि बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है आई होप यू कैन सी दैट कि बोरॉन के पास वेकेंट पी हाँ, प्लेनारिटी अभी डिस्कस करेंगे गुप्ता। के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है आई होप एवरीबडी कैन सी दैट इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में फ्लोरिन अपना लोन पेयर अगर ठूस दे तो इसके अंदर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसी को बेटा बैक बॉन्डिंग बोला जाता है ठीक है फ्लोरीन के पास लोन पेयर था मैंने कंडीशन क्या बताई थी एक के पास लोन पेयर हो एक के पास खाली ऑर्बिटल हो एक का टिफिन भरा हो एक का टिफिन खाली हो तो वो अपने भरे हुए टिफिन में से खाना खाली टिफिन में ट्रांसफर कर सकता है ठीक है तो इसके पास लोन पेयर था और इसके पास खाली पी ऑर्बिटल था आप ये देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है बोरॉन का खाली पी ऑर्बिटल तो वेकेंट पी ऑर्बिटल में किस तरीके से फ्लोरिन ने अपने इलेक्ट्रॉन डाले जिससे इसकी बॉन्डलेन्थ भी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी ठीक है अब ये पॉसिबल है लेकिन आप मेरे को यह बताओ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ बी सी एफ थ्री से बीसीएल थ्री की तरफ आती हूँ आप सब ये बात जानते हो कि फ्लो, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा होता चला जाता है चलो लगाओ दिमाग बेटा फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है ठीक है तो बोरा हूं तो उतना ही लेकिन मैंने क्लोरीन बड़ा बना दिया फिर अगर मैं बीबीआर की तरफ जाऊं बेटा तो ब्रोमीन तो और भी बड़ा है ब्रोमीन तो और भी बड़ा है ठीक है ये बन है, बना रहे हैं अपन सारे सारे, के ठीक है? और इसी में बनाऊ तो माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही बड़ा है ठीक है ये देखो, ये देखो, देखो, ठीक है? अब मेरे को तुम ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी फटाफट से मुझे आंसर बताओ जल्दी से क्विकली मैम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स चैप्टर मिसिंग इन जेई डाई ऐसा क्या चेक आई चेक बेटा आई डोंक मिसिंग हो रहा है बट मैं चेक करूंगी Hi, ऐसे लेक्चर नंबर तो बेटा को याद नहीं रहते हैं रोहित है डिक्रीज होगी इनफेक्ट एवरी वन है डिक्रीज ही होगी और बिल्कुल सही डिक्रीज होगी यार एक बात बताओ बोरॉन के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल है करेक्ट बोरॉन के पास में खाली ऑर्बिटल है जिसको हम क्या बोलते हैं वेकेंट पी ऑर्बिटल ठीक है और ये जो हैलोजन है इनके पास में क्या है लोन पेयर्स है पर यार एक बात बताओ तुम मुझे तुम कहते रहे हो कि भैया एक एकता इंक्रीजेस भी लिख रहा है पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं ये इतना बड़ा आइटम अपने लोन पेयर को इतने छोटे छोटे पी ऑर्बिटल में कैसे ठूस देगा क्या तुमने अपने हिस्से का बड़ा सारा जो जैसे पापा नहीं लेके जाते चार खंड का टिफिन एक में रायता एक में पापड़ एक में चार एक में सब्जी एक में रोटी इतना बड़ा टिफिन अगर पापा ऑफिस लेके जाते हैं अगर वो खाना किसी नर्सरी क्लास के या तीन साल के या चार साल के बच्चे में के पेट में घुसा जाए क्या वो उसे हजम कर सकता है कर सकता है इतने बड़े टिफिन का खाना इतने छोटे से बच्चे के खाली टिफिन में या खाली पेट में तुम गुसाओगे उसको बदहजमी नहीं हो जाएगी तो वही तो यार केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइफ समझे और एक एग्जांपल देती हूँ खुल गया मोनिका मैम का, का एग्जांपल ओपीडिया समझो पतले दुबले हो तो मारुति एट हंड्रेड नैनो में फिक्स आ जाओगे क्योंकि बीच वाले का साइज तो वही है देखो मैंने चेंज नहीं किया ये भी बोर है ये 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 भी है, ये भी भी है 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 पॉइंट कि बोर के पास खाली पी ऑर्बिटल्स हैं और साइड वाले एलिमेंट्स जो है उनके पास में लोन पेयर्स है अब बात तो पूरी यही है कि लोन पेयर उसमें डोनेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बोरॉन इज कॉमन बोरॉन इज अ स्मॉलर एलिमेंट छोटा एलिमेंट है छोटी गाड़ी है नैनो गाड़ी है मारुति गाड़ी है छोटी गाड़ी है छोटी गाड़ी में पतले दुबले लोग आसानी से समा सकते हैं हाथी भाई को नैनो कार में समा दोगे क्या हाथी भाई को नैनो कार में बिठाओगे तो फिट कर पाओगे क्या उनको वो कहेंगे मेरे लिए तो कोई बड़ी सी जीप लेके आओ समझे तो जितना साइड आइटम बड़ा होता जा रहा है टेक्निकली ये अनफेजिबल होता जा रहा है कि अपने लोन पेयर्स को इस छोटे से एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल में ठूस दे ठीक है इस एग्जांपल से कभी मत भूलना कि बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स में जैसे-जैसे हैलोजंस के साइज बढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी रिड्यूस होती है कि टेक्निकली ये प्रॉब्लम देगा कि हाथी भाई नैनो कार में फिट आ जाए कंफर्टेबली टेक्निकली ये प्रॉब्लम देगा कि पापा का

इनकम्प्लीट ऑक्टेट के है बॉन्डिंग की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो तुम्हें पता है फटाफट से बोलो कि ये आपके जो आ, मैंने दिखाए हैं बोरन ट्राइलाइट ये बेसिकली इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल हैं फटाफट बताना मेरे को यस और नो

तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होती चली जाएगी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो रही है ये सबके सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इनकम्प्लीट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं इक्विलिब्रियम में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी तुम अपने नोट्स में ये एड कर लेना की वॉट आर लुइस एसिड्स बेटू लुइस एसिड्स आर लुइस एसिड्स आर लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन्स की लालची स्पीशीज क्या कहलाती हैं लुइस एसिड्स लुइस बेसिस कौन होंगे लुइस बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स ठीक है जिस जो इसको हम बोलते हैं जो रिच स्पीशी हैं वो लुइस बेसिस होती है और जो पुअर स्पीशी हैं वो लुइस एसिड्स होती हैं अब चक्कर ये पड़ता है कि बोरॉन का इसमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है इन वाले मॉलिक्यूल्स में बोरॉन जो है उसके पास छह छह इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हर बोरॉन में तो वो कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन्स के प्रति एक लालच रखेगा राइट लालच रखेगा कि यार दो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मेरी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसी वजह से ये लुइस एसिड्स के अवतार में आ जाते हैं ठीक है पर अब मेरा एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि लुइस

अभिनव कह रहा है मैम योर नेम मेरा डायलॉग मारने की इच्छा कर रही है कि बेटा यूट्यूब पे लिख बेस्ट केमिस्ट्री टीचर्स ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे लिख ना बेस्ट केमिस्ट्री टीचर्स ऑन यूट्यूब विल गेट माय नेम ठीक है ऑर्गेनिक में, में पढ़ाऊंगी डिक्रीज होगी लुइस एसिडिटी एसिडिटी क्या होगी जल्दी जल्दी बताओ डिक्रीज होगी इंक्रीज़ होगी कुछ मशीजा कह रही डिक्रीज होगी ठीक है रोहित कह रहे डिक्रीज होगी जैतापुर कह रहे डिक्रीज होगी चीटिंग नहीं करनी एक दूसरे की ठीक है अपना खुद का आंसर खुद जनरेट करना है परिया कह रही है डिक्रीज होगी यार ओके ऑल राइट राइट लिसन टू मी बोरॉन की जरूरत थी ना इलेक्ट्रॉन्स की बोरॉन को जरूरत थी ना इलेक्ट्रॉन्स की बोरॉन का प्रॉब्लम था ना कि उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स कम थे उसके खुद के तीन इलेक्ट्रॉन्स और तीन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर के उसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे ये प्रॉब्लम बोरॉन की थी ना फ्लोरीन की नहीं थी बोरॉन की थी बोरॉन के इस इश्यू की वजह से ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाया गया लुइस एसिड ये भी ये भी ये भी और ये भी आप चारों मॉलिक्यूल्स में देख सकते हो कि बोरॉन ने बॉन्डिंग कर कर ली फिर भी छह इलेक्ट्रॉन्स ही उसके पास आए हैं जुगाड़ करके इसीलिए ये किस कैटेगरी में आए लुइस एसिड्स अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि बोरॉन की ये जो डिमांड है कि भाई मेरे पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो फ्लोरिन अपनी बैक बॉन्डिंग से पूरा नहीं कर रहा जब फ्लोरीन अपने लोन पेयर को यूज करेगा यहाँ बॉन्ड बनाने में तो क्या फिर भी बोरॉन के पास में छः इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे छः तो हैं ही दो एक्स्ट्रा आ गए ना फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो यहाँ घर में ही उसकी जरूरत पूरी हो रही है जब घर में ही आपकी ज़रूरतें पूरी होती है तो हम लोग बाहर नहीं मुँह हैं समझे इस बात को तो बोरॉन की जरूरत अपने ही मॉलिक्यूल में पूरी हो रही है फ्लोरीन खुद उसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लालच घटा देगा इट विल बी अ बैड ल्यूस एसिड ठीक है इधर बढ़ते हैं क्लोरीन से बोरन ने पूछा तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि मैं बाहर से लू क्लोरीन ने कहा देख दे रहा हूं फ्लोरीन जितनी आसानी से नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकली फेबल नहीं हो पा रहा है टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरा साइज बड़ा है तेरा जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसका साइज छोटा है बोरन ने कहा चल ठीक है दे दे कोई बात नहीं जितना तू अरेंजमेंट कर सकता है कर दे बाकी मैं बाहर से करूंगा ल्यूस एसिडिटी बड़ी ठीक है फिर बोरॉन ने ब्रोमीन से पूछा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में तू इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि मैं बाहर से जुगाड़ करूं इसने बोला एक काम कर थोड़ा बहुत बाहर से देख लेना क्योंकि मेरे तो ये वही हाथी भाई की तरफ बढ़ रहे हैं भाई प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ऑर्बिटल इतने छोटे हैं कि मैं अपने जो लोन पेयर है वो तुम्हारे ऑर्बिटल्स में डोनेट कर नहीं पा रहा हूं ठीक है और इधर ये माशे बोरॉन आयोडीन से पूछते हैं तू दे रहा है कि अपन बाहर से मांगे आयोडीन ने कहा निकल

इसीलिए बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बाहर से ठीक है तो चलिए ये हमारा क्लियर हो गया एक बार ही फिर रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या पढ़ा बैक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा बैक बॉन्डिंग इस तरीके का फिनोमिना होता है जिसमें एक एलिमेंट के पास लोन पेय होता है और दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल होता है और element, उसके है, है, तो लोन वाला एलिमेंट खाली में इलेक्ट्रॉन है दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे हो जाती मजबूत और बॉन्ड लेंथ इससे हो जाती है छोटी ठीक है और उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग तब अच्छा होता है जब दोनों पार्टिसिपेटिंग आइटम्स जो है उनके साइजेस कैसे हो सेम सेम हो जब अनइक्वल साइजेस आएंगे तो बैक बॉन्डिंग का जो फिनोमिना है वो धीरे धीरे घट जाएगा ठीक है और इस

ठीक है यहाँ तो कुछ खास नहीं है लुइस एसिड स्ट्रेंथ हम बढ़वा रहे हैं एसिड स्ट्रेंथ जो है वो हम बढ़वा रहे हैं right. अब चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात वो ये भी भी कह रहा है कि है कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग तब घटता जब एक्सेप्टर आइटम के पास अपना एक पर्सनल लोन फेयर होता है जो आइटम एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास खाली ऑर्बिटल भी और लोन पेयर भी है तो फिर वो बाद वाले को बोलेगा देना दे इलेक्ट्रॉन ले, फेयर नहीं देना तो मेरी जरूरतें नहीं है अपने जमीर में एक दम है क्योंकि अपनी जरूरतें

ठीक है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी अगर, अगर उसके पास है वाले के पास में, तो फिर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग से करोगे समझ में इसलिए क्या है? कोई लोन पेर नहीं होता तो ये बहुत करता है के पास लोन पेर आ गया, तो उसका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है सल्फर के पास दो दो लोन पेयर आ गए और एक्सेप्टेंस कम हो जाता है क्लोरिन के पास तीन तीन लोन पेयर आ गए और एक्सेप्टेंस कम हो जाता है कैसे मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ सिलिकॉन का अगर आप कॉन्फिगरेशन करोगे तो सिलिकॉन का कॉन्फिगरेशन होता है टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू ठीक है थ्री पी टू अगर तुम फॉस्फोरस का करोगे तो आएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री ठीक है अगर तुम सल्फर का करोगे तो आएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर और अगर तुम क्लोरीन का करोगे तो आएगा क्लोरीन का क्लोरीन का क्लोरीन का आएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू 3p5 अब तुम इनके जरा ऑर्बिटल्स को देखो 3p2 वाले को देखो 3p2 वाले के पास ये मामला है 3p3 वाले के पास 3p3 3p4 वाले के पास लोन पेयर आ गया ओहो p में चार ऑर्बिटल थोड़ी ना होते हैं मोनिका माम. ये क्या किया है? एक मिनट p ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बन गया ये देखो एक दो तीन चार. और फिर वापस थ्री पी फाइव एक दो तीन चार पाँच तो बेटा ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना तुमको ये लोन पेयर हैं तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है खुद की जेब में माल होता है तो दूसरों से लेने की टेंडेंसी बढ़ घटती जाती है तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो इनके पास में थ्री एस टू वाला लोन पेयर तो रहेगा ही सही ये भी लोन पेयर है हेलोजेंस के पास तीन तीन लोन पेयर होता है ना ये होता है ये होता है और थ्री एस वाला भी होता है

चलो अब मुझे तुम ये बता दो क्या होती है बैक बॉन्डिंग फटाफट बताना जल्दी से फटाफट से जल्दी से जो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका करेक्ट आंसर देने वाले का मैं नाम आउट करूंगी यहां पे बैक बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे क्विकली बताना हाई क्रिएशन विद वी के

और सही ने भी लिख दिया है सही कह रही है लोन पे ट्रांसफर स्वदा कह रही है एक के पास लोन पे और दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल शाब बाश मेरे बच्चों वेरी नाइस ठीक है अब मेरे को ये बताओ तुमने ये तो समझ लिया कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है तुम मेरे को ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन से पीरियड का मेंबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला या डोनेट करने वाला जनरली कौन से पीरियड के मेंबर्स होते हैं जल्दी जल्दी बताना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला डोनेट करने वाला जनरली कौन से पीरियड के मेंबर्स होते हैं थर्ड पीरियड 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 के के सेकंड सेकंड भी भी हो हो सकते हैं हैं है ना वाले पार्टिसिपेटिंग जाते वेरी गुड क्रिएशन विद वी के सई शाबाश उदय सिंह वेरी गुड अब तो मेरे को ये बताओ कि एक्सटेंट uh, किस पे निर्भर करता है मतलब बॉन्डिंग uh, अच्छी होगी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस पे निर्भर करता है जल्दी जल्दी बताना बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस पे निर्भर करता है अच्छा सबसे पहले फरिया ने बताया था फरिया तेरा जो तू लिख जो रही है वो बिल्कुल सही लिख रही है पर वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है बेटो साइज सेम होना चाहिए बिल्कुल सही प्रकृति वेरी गुड आकृति वेरी गुड आर्यन तुम लोगों को तो रट चुका है कि साइज सेम होने चाहिए अच्छा अब नाउ टेल मी कि यार ये जो लुइस एसिड होते हैं इनमें से सबसे घटिया लुइस एसिड तुमको कौन लग रहा है सबसे बेकार लुइस एसिड कौन लग रहा है जो बोरॉन के ट्राइफ में ऑप्शन देती हूँ बी एफ थ्री बीसीएल थ्री बीबीआर थ्री बी आई थ्री सबसे रद्दी बेकार ल्यूस एसिड कौन है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट क्रिएशन बिल्कुल सही क्योंकि बोरान की जरूरत फ्लोरीन खुद पूरी कर देता है इसलिए उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हो, हो, तो हो रहा है ना घर के अंदर से जरूरत पूरी हो रही है तो इसलिए बी एफ थ्री इज द वर्स लुइस एसिड आउट ऑफ ऑल अच्छा दूसरा मुझे ये भी बता दो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे क्या होती है बढ़ती है कि घटती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे वेरी गुड वेरी गुड बेटा धानवी

इसका इसका स्ट्रक्चर तो तुमको बहुत अच्छे से से। समझ में आ रहा होगा नाम लिखो जल्दी नाराज नहीं होने का अमोनिया वेरी गुड अमोनिया अब अगर मैं अमोनिया के अमोनिया पिरामिडल होता है बी सारे सीपीआर सारे लिखे हैं अपन बीएससीपीआर हम सब पढ़े लिखे हैं हमें पता है पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से वो तीन तो बॉन्डपेयर बनाता है और एक लोन पेयर बनाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है एंड ज्योमेट्री जो होती है वो होती है पिरामिडल बट नाउ वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिप्लेस ऑल थ्री हाइड्रोजन बाय थ्री एल्काइल ग्रुप्स नाउ वॉट इट विल बी नोन एज पहले तो ये अमोनिया था अब ये बन गया ट्राई एलकाइल इट विल बी कॉल्ड एज ट्राई एल्काइल अमीन कॉपी में साथ साथ लिखना ट्राई एल्काइल अमीन क्योंकि इसमें तीन एल्काइल ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप्स तो इनको हम क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स तो ये क्या बन गया ट्राई एल्काइल अमीन अब ये एल्काइल ग्रुप कौन हो सकता है ये देखते हैं अगर तो ये एल्काइल ग्रुप कौन है मिथाइल है सी एच थ्री ठीक है ये अल्काइल ग्रुप कौन है मिथाइल है तो बेटा मिथाइल क्या करता है मिथाइल कुछ नहीं करता है मिथाइल के पास मिथाइल के कार्बन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो क्या हो? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है टू एस वन और टू पी थ्री है ना एक्साइट इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट की बात बता रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कार्बन में रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है ठीक है तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है, है थीके? तो यहाँ एक भी खाली ऑर्बिटल नहीं है यह बैक बॉन्डिंग का पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता है इसका मतलब इसमें कोई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है और इसकी शेप कैसी होगी पिरामिडल होगी पिरामिडल लेकिन अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप के बजाय सिलाइल ग्रुप लगा दूसरी मतलब सी की जगह एस CH3 की जगह SiH3 कार्बन सिलिकन जूमिनियम टिन लेड तो कार्बन के हाइड्राइड की बजाय सिलिकन का हाइड्राइड लगा दूं कार्बन सिलिकन जूमिनियम टिन है ना तो SiH3 यहाँ पे भी क्या है SiH3 यहाँ पे भी क्या है SiH3 अब इसकी ज्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ेगा क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी बिल्कुल होगी कैसे होगी सुनिएगा नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का मेंबर है और उसके पास लोन पेयर है दिस इज वन रिक्वायरमेंट

तीसरा क्वांटम लेवल अचीव करने पर खाली डी ऑर्बिटल्स का मालिकाना हक सिलिकन को मिल चुका है यानी सिलिकन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं ठीक है जो कि कार्बन के पास नहीं थे का। टू, टू डी तो कुछ होता ही नहीं है थ्री में घुस चुका है ना तो अधिकार आ गया है थ्री डी पे चाहे वो खाली पड़े हो खाली पड़े हो तो एक काम तो कर ही सकता है ना

देखो तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो पड़े हुए हो तो तुमको ये चीज बहुत इजीली समझ में आएगी ये देखो ये बो, अपना नाइट्रोजन का जो था ना मामला अमोनिया ये था ऊपर एक लोन पेयर था ठीक है हमने कहा तीन अल्काइल ग्रुप्स हमने लगा दिए तीन अल्काइल ग्रुप्स हमने लगा दिए ये हमने कहा और ऊपर ये लोन पेयर का पहाड़ है इधर लोन पेयर है ठीक है इधर लोन पेयर है अब अगर मैं यहाँ पे सिलिकन लगा दू जिसके पास खाली ऑर्बिटल है कौन से वाले थ्री डी थ्री डी है ना उसके पास में थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो 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 होती है ना तो प्लेनर हो जाएगा फिर ये एक्सेप्ट करेगा फिर यह एक्सपेक्ट करेगा तो जब बैक बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल पिरास में टर्न अप हो जाता है प्लेनर में तो ये बैक बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट आउटकम है इसको ध्यान रखना इसने एसिडिटी इंपैक्ट कर दी इसने क्या क्या इंपैक्ट कर दिया ये देखो इधर इसने एसिडिटी इंपैक्ट कर दी इधर इसने प्लेनारिटी इंट्रोड्यूस कर दी ठीक है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्राई सिलाई प्लेनर है और जो ट्राई मिथाई है वो पिरामिडल है रीजन है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें नहीं हो रही है तो ये हमारा दूसरा चीज था ठीक है इधर आप देखो यहाँ ये स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है ये स्ट्रक्चर होना चाहिए एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है और फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए इधर सी एच

बताओ ये प्लेनर और इसका कौन बताएगा थैंक यू रोहित आयरन बिल्कुल सही क्रिएशन विदवी की कह रहे हैं कि एसआई थ्री में वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से बैक बॉन्डिंग हो रही है पुनीत कर ले बेटा बिल्कुल सही कह रहा है सिलिकन के कारण नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगी और कार्बन में एसपी टू है इसीलिए देरफोर हो जाएगा वो बेंड बेसिकली अगर इसको सबसे सिंपलर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो तुम पता है क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे कि सिलिकन के पास में खाली डी ऑर्बिटल पड़े हो इसमें सारा मसला पता है किस चीज का है एक आइटम के पास लोन हो घुम पेर की बात वही आती है और एक एटम के पास खाली ऑर्बिटल हो अब सिलिकन के पास वेकेंडी है थ्री डी खाली पड़े हैं थ्री डी में ठूस सकता है वो लोन पेयर और जैसे इसने लोन पेयर इसमें ठूसे ना जोमेट्री प्लेनर हो गई क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड बन गया यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो अरिहंत ने पॉइंट आउट किया इधर देखो कार्बन के पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है कार्बन होता है टू एस वन टू पी थ्री एक भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें किसी के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन टू से जा सके जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मुड़ा हुआ रहेगा एसपी टू हाइब्रोडाइजेशन है नाइट्रोजन का ये लोन पेयर रहा ये डबल बॉन्ड रहा ये सिंगल बॉन्ड रहा मुड़ा हुआ ये मुड़ा हुआ से प्लेन हो जाता है अगर बॉन्डिंग हो जाए तो ये भी मुड़े हुए से प्लेन क्यों हुआ क्योंकि तो सिलिकॉन ने अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो पूरा मसला क्या इधर इस कार्बन के पास नहीं थे, कार्बन के पास नहीं था वेकेंट ऑर्बिटल वो मुड़ा का मुड़ा रह गया इसके पास थे ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इसके पास नहीं थे मुड़ा का मुड़ा रह गया ये गलत है ये मुड़ा का मुड़ा रह गया उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल थे बैक बॉन्डिंग होते ही ये मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए जहां क्या इंट्रोड्यूस हो जा रही है प्लेनैरिटी इंट्रोड्यूस हो जा रही है ठीक है इधर हम देखेंगे कि ब्लैक बॉन्डिंग ने एसिडिटी को इंपेक्ट किया है जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है क्योंकि बैक बॉन्डिंग रिड्यूस हो रही जिसमें बहुत सी बैक बॉन्डिंग उसकी एसिडिटी सबसे कम थी और इधर जो बैक बॉन्डिंग है उसने प्लेनारिटी को जो है इंड्यूस किया है ठीक है अब हमारा अगला टॉपिक है बैक बॉन्डिंग इज ऑल फिनिश्ड ठीक है बैक बॉन्डिंग हमारी खत्म हो गई नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है सुनो हाँ धान भी कुछ क्लियर कर रही है सिलिकन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल भी तो है ना मैम हाँ उसमें भी आ सकता है बेटा बेसिकली वेकेंट पी ऑर्बिटल में भी आ सकता है वेकेंट डी हो तो उसमें भी आ सकता है लेकिन सिलिकन कार्बन फैमिली का ही हिस्सा है जब तुम बेटा सिलिकन को कार्बन से कंपेयर करते हो तो कार्बन का अटोमिक नंबर है सिक्स और कार्बन ग्रुप के मेंबर्स है। कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन सिलिकन का होता है लेडिकन का तो मैं डिफरेंस तुमको बताने की कोशिश कर रही हूं मैं ये बोल रही हूँ कि कार्बन है वन एस टू टू ठीक है और सिलीकन है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू ठीक है थर्मल एक्साइटेशन कि किया तो मैं सीधा ऑर्बिटल्स की शक्ल बना रही हूँ ये हो जाएगा वन एस टू ये हो जाएगा टू एस में एक रह जाएगा और टू पी में तीन हो जाएंगे टू डी था नहीं तो ये कार्बन के अंदर हम कहते हैं कि कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे ठीक है

कोई वेकेंट नहीं है और फिर तुम कहोगे कि मैम वो तो फिर आ, कार्बन और सिलिकॉन फिर सेम केसेस हो गए वो टू एस टू टू पी टू था ये थ्री एस टू थ्री पी टू था तो डिफरेंस कहाँ आया डिफरेंस ये आया कि सिलिकॉन के पास डी भी है लेकिन वो खाली पड़ा है और खाली होना हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि हम कहते हैं कि एक आटम के पास खाली ऑर्बिटल्स हो और दूसरे आटम के पास में लोन पेयर हो तो बहुत ही बढ़िया सी बैकबोर्निंग हो जाती है तो कार्बन सिलिकन का डिफरेंस इसी में आ रहा है पी का तो स्थिति दोनों का सेम है ना टू पी टू थ्री पी टू एक इलेक्ट्रॉन गया तो टू पी थ्री इसका एक गया तो थ्री पी थ्री समझे आई होप धन बी ऑर डाउट इज क्लियर ठीक है चलो अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आ रहा है डायबोरिन इसको समझते हैं पानी पी लू ये भी अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है मजेदार कॉन्सेप्ट है थैंक यू फॉर थैंक यू स्वदा अब देखो डायबोरिन क्या है अब डायबोरीन का समझना डाइबोरिन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं बी टू एच सिक्स ठीक है इसमें ऐसी बॉन्डिंग होती है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलती है बहुत यूनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बॉन्डिंग है पहले मैं बोरॉन ले रही हूँ क्या होगा बोरॉन का कॉन्फिग्रेशन होता है वन से शुरू करते हैं चलो इसको हटाते हैं वन से शुरू करते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी वन बोरॉन का कॉन्फिगुरेशन क्या होता है वन एस टू टू एस टू टू पी वन अब अगर मैं सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल्स बोरॉन के बनाऊं तो मैं यहां ड्रॉ करती हूं 2s2 ठीक है और 2p1 क्लियर अब क्या करोगे बेटू थर्मली एक्साइट कर दो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एक्साइटेशन हो जाती है ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहा आ जाएगा इधर आ जाएगा न्यू कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें एक और इसमें कितने आ जाएंगे बेटा दो आ जाएंगे जरा ध्यान से देखो अब इसका मतलब एक हाफ फील्ड वाला ऐसा ऑर्बिटल

अगर जब आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो आपको चार ऑर्बिटल्स मिलते हैं कौन कौन से ऐसे 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 और ऐसे क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड थे आपके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हाफ फिल्ड है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है खाली यहां तक सबको क्लियर है यू कैन गिव मी थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स कि मैम यहां तक सबको क्लियर है कि भाई पहले ये बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन था फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि बोरॉन का 2s का एक इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें आ गया तो ये हो गया फिर इनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी तो जो स्थिति पहले थी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया तीन हाफ फिल्ड थे एक वेकेंट था इधर भी तीन हाफ फिल्ड और एक वेकेंट है तो ये हमारे पास फोर एसपी थ्री हाइब्रिड तैयार हो गए हैं किसके बोरॉन के हाइब्रिड्स ऑफ बोरॉन ये क्लियर है फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑफ बोरॉन रेडी हो गए हैं क्लियर है वेरी गुड विपुल वेरी गुड शीजा शाबाश दिशा ठीक है अब क्या करने वाले हैं अब अपन बोरॉन का एक डायग्राम बनाने वाले हैं जिसमें रही हूं ताकि समझ में आए तो बोरॉन ने अपने चारों ऑर्बिटल इस तरीके से नाइनटी डिग्री बॉन्ड एंगल इट इज टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कोर्स जस्ट मैं बना के दिखा रही हूँ तो तुम ठीक है बोरॉन ने अपने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लिया है इधर वाले बोरॉन ने भी अपने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लिया है ये देखो ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया और ये कर लिया दोनों के पास चार चार हाइब्रिड्स हैं दो, दो बोरॉन देखो किस तरीके बहुत यूनिक बॉन्डिंग करेंगे अब बोरॉन के जो तीन हाइब्रिड्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं तीन हाइब्रिड्स हाफ फिल्ड है और एक हाइब्रिड जो है वो खाली है वेकेंट खाली है तो बोरॉन क्या करेगा ये देखो ये हाफ फिल्ड ये हाफ फिल्ड ये हाफ फिल्ड खाली ये हाफ फिल्ड ये हाफ फिल्ड ये हाफ फिल्ड खाली ठीक है अब अपन क्या करेंगे अब आएगा हीरो की तरह हाइड्रोजन एंट्री लेगा क्योंकि बी टू एच सिक्स पड़ रहे हो ना तुम तो छह हाइड्रोजन आएंगे तो एक हाइड्रोजन तो ये आ गया अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के और ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन इधर अपना वन एस वन रहता है ना हाइड्रोजन के पास बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है वन एस वन रहता है तो एक इधर आ गया ये बन गया आपका हाइड्रोजन से सिग्मा ये वाला हाइब्रिड इसका हाइब्रिड और इसके सिग्मा में ओवरलैपे कोई सिग्मा बॉन्ड बन गया एक और हाइड्रोजन इधर आ गया ये लो एक हाइड्रोजन वन एस वन लेकर यह आपके सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक और हाइड्रोजन आ गया इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये टर्मिनल बॉन्ड है टर्मिनल बी एच बॉन्ड ये जो चार मैंने बनाए हैं फोर टर्मिनल टर्मिनल बी एच बॉन्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो यूजुअल बॉन्डिंग है जिसमें दो हाफ एल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेते हैं ठीक है हमको बहुत समझा हुआ सा लगता है इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन अब एक हाइड्रोजन ऐसा भी है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा ये देखो ये वाला ठीक है अब अगर तुम देखो तो यहाँ तीन सेंटर है एक येरा बोरॉन एक येरा हाइड्रोजन एक येरा बोर इट इज अ थ्री सेंटर्ड बॉन्ड यहाँ तीन न्यूक्लियस संभल रहे हैं कौन कौन से ये वाला बोरॉन ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन इन तीन सेंटर्स इसके खाली लपेट रखा है स्वादा के, के पास में क्या है पास्ता है तो हमारे हंथ को कह रहे हैं आजा आजा कोई बात नहीं तू टिफिन नहीं लाया तो हम दोनों के साथ एडजस्ट कर ले तो ये हाइड्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास में भी इलेक्ट्रॉन है ठीक है और इन्होंने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन से तीन न्यूक्लियस संभाली है बहुत यूनिक बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं थ्री सेंटर सेंटर मतलब एक ये बोरॉन सेंटर एक हाइड्रोजन सेंटर एक बोरॉन सेंटर है और टू इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं ठीक है एक हाइड्रोजन इधर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सेम बॉन्डिंग ये बनेगी इसका मतलब टू बन रहे हैं हैं ब्रिजिंग बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते बनाना बॉन्ड ब्रिजिंग ब्रिजिंग बीएच बॉन्ड इसको हम क्या बोलते हैं बनाना बॉन्ड इज दैट क्लियर दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बनाना बॉन्ड क्लियर ओके तो देखो ये हमारा बिल्कुल क्लियर है अब इधर इसके डायग्राम देखो ये बोरॉन ने अपना ये इसका फील्ड है जिसको मैं मतलब हाफ फिल्ड है ये हाफ फील्ड है ये हाफ फील्ड है ये खाली है ये हाफ फील्ड इस वाले बोरॉन का ये हाफ फील्ड है ये हाफ फील्ड है ये खाली है तो एक इसके पास खाली था एक इसके पास खाली था हाइड्रोजन ने कुछ ऐसा मैनेज किया कि इसको बोलते हैं ये रहे बनाना बॉन्ड्स

मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है बनाना बॉन्डिंग में हमारी पूरी होगी दो कॉन्सेप्ट हमने पूरे कर लिए अब हम कंपेयर कर रहे हैं बी एफ थ्री यार बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन होते हैं तीन से कितने बॉन्ड पेयर बने तीन बने लोन पेयर कितना बना जीरो थ्री प्लस जीरो हो जाएगा थ्री रिजल्ट आएगा थ्री का मतलब एस पी टू यानी एस पी टू हाइब्रेटाइजेशन होगी बी एफ थ्री में तो ये हो जाएगा बी एफ 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 बी एफ एफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ठीक है तो ये क्या उसके अंदर कैसे करना पड़ेगा बोरॉन के पास में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं चौथा ऐड कर लो बी एस सीखे हैं ना सारे बच्चे चौथा क्या कर लो ऐड कर लो ठीक है अब क्या करेंगे चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे चार में ये चार हो जाएंगे पेयर और जीरो हो जाएगा लोन पेयर रिजल्ट आ जाएगा फोर फोर मतलब एस पी थ्री एस पी थ्री का मतलब होता है टेट्राहेड्रल तो ये एफ ये F, ये F, ये ठीक है और यहां आ जाएगा बी एफ अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ मतलब कंपेयर करें किसकी बी एफ फोर माइनस बी एफ थ्री की तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी बी एफ फोर माइनस एस पी थ्री हाइब्रेडाइज है उसमें एस कैरेक्टर क्या रहेगा सोच के बताना बी एफ बॉन्डलेन बी एफ फोर माइनस और बी एफ थ्री में से बैक बॉन्डिंग तुम पढ़ चुके हो क्या पता उसका कोई मसला हो आई एम नॉट श्योर एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने ये रहा एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने ये रहा ठीक है दो को कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो देखिए कौन कर पाता है क्विकली जल्दी से कुछ मसला जो तुमने अभी पढ़ा है वैसा कुछ तुम कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो क्या हां कह सकते हैं क्योंकि प्लेनर होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना दानवी पर इस तरह से किताबों में नहीं लिखा होता बस ये बोला जाता है कि प्लेनारिटी हो जाती है we need to check ramanujan nobody is answering right now chalo ab main samjhati hu isme back bonding ka scope hai na bf3 mein back bonding padi thi na back bonding ka scope hai kyunki fluorine ke paas lone pair hai aur uske paas khali p orbital hai khali p orbital back bonding होते ही double bond हो जाता है डबल बॉन्ड छोटा होता है डबल बॉन्ड छोटा होता है समझे

इनमें से तुम्हारे अकॉर्डिंग वो कौन है जिसकी आ, पिरामिडल शेप नहीं होगी और क्यों नहीं होगी वो तुम रीजन मेरे को वो भी बॉक्स में लिखोगे बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज इफ एटम हाँ हाँ ठीक है फरिया हाँ जेल अभ्यास इसकी जस्ट बात नहीं करेंगे लेकिन करेंगे जरूर

हम बहुत सिस्टमैटिकली चलते हैं हम हर जो टॉपिक पढ़ते हैं उस पर पीवा क्यू जरूर अटेम्प्ट करते हैं बेटा हां जी करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज बेसिसिटी पे क्या इंपैक्ट होएगा तुम्हें पता है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है ना उसकी वजह से ये बेसिक होंगे ठीक है अब तुम उससे हिंट लगाओ कि बेसिसिटी रिड्यूस होगी या फिर बेसिसिटी इंक्रीज होगी आकृति प्रीवियस वाला समझ नहीं आया एक बार पीछे करके सुन नहीं समझ में वापस समझाऊंगी सुनो 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 लिसन टू मी बिटू बैक बॉन्डिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक के पास लोन पेयर और दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल हो तो लोन पेयर वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले के खाली ऑर्बिटल्स में इंट्रोड्यूस कर देता है जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है ये हमारे बच्चों को आता है एसिडिटी पे क्या इंपेक्ट होता है ये मैंने तुम्हें खुद पढ़ाया कि एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करते हैं तो बोरॉन के ट्राई हेलाइट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण बोरॉन की एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रीडी है इसीलिए उसको हम एसिड बताते हैं लेकिन बी एफ थ्री मॉलिक्यूल में बोरॉन और फ्लोरीन का साइज सेम होने से फ्लोरीन ही उसकी इलेक्ट्रॉन की जरूरतों को अंदर ही पूरा कर देता है इसलिए उसको बाहर इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती विच विल रिड्यूज इट्स एसिडिटी करेक्ट हमने ये भी पढ़ा कि जिस जिस में बैक बॉन्डिंग होती है वो कंपेरिटिव मतलब उनकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज होकर प्लेनर हो जाती है जैसे कि आपके जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स थे वो प्लेनर हो गए थे और अगर जिनमें बैक बॉन्डिंग नहीं थी वो पिरामिडल ही रह रहे थे अब बेसिसिटी के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं बस मैंने तुम्हें इतना ही बताया कि बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है ठीक है तो तुम ये सोचो कि बैक बॉन्डिंग हो जाए पहली बार तुम फाइंड आउट करो कि कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है बैक बॉन्डिंग होने से ज्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ेगा और बैक बॉन्डिंग होने से बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा आई रिपीट वंस अगेन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के कारण बेसिक है तो अगर लोन पेयर चला गया है बैक बॉन्डिंग में तो उसकी बेसिसिटी जाहिर तौर पर कम हो जाएगी ठीक है तो तुम मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए रोहित कह रहा है डी होना चाहिए एक्सैक्टली ट्रू डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि आ, नाइट्रोजन के साथ जब आप तीन सिलाइल ग्रुप्स लगाते हो ना बेटा एस आई एच थ्री एस आई एच थ्री एस आई एच थ्री ठीक है तो मामला ये है कि नाइट्रोजन के पास है लोन पैर और सिलिकन के पास है खाली ऑर्बिटल तो खाली ऑर्बिटल में जब लोन इंट्रोड्यूस होगा तो चेंज प्लेनर हो जाएगी और नाइट्रोजन टू तो हाइब्रिडाइज हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपना पेयर सिलीकन के ऑर्बिटल में ठूस चुका है तो लुइज बेसिस कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स ही तो होते हैं जो बाहर मार्केट में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे मार्केट से मेरा मतलब मार्केट नहीं है मार्केट से मेरा मतलब है दूसरे को डोनेट कर दे घर में खर्च करके बैठा है फिर का अमीर है अपना पैसा अपने ही खजेब खाली कर आया है तो फिर काय का अमीर है दूसरे को दे तो अमीर है दूसरे से ले तो गरीब है दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे तो बेस है दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले तो एसिड है बी एफ थ्री क्यों एसिड अच्छा नहीं था बी एफ थ्री इसलिए एसिड अच्छा नहीं था कि बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिए जरूर थे पर घर में ही ले लिए थे बाहर से नहीं मांगे तो हमने कहा वीक बीकलूस एसिड इधर इलेक्ट्रॉन ये दे जरूर रहा है पर घर में ही दे रहा है

तो हमने मेटल्स को कुछ ऐसा सीखा जो कि तगड़ी चीज होती है कोई खतरनाक सी चीज होती है मेटल मतलब इस टाइप की ठीक है कोई खतरनाक सी चीज होती है तो जो मेटल होता है बेसिकली ऐसा तो कोई हमने मेटल नहीं सोचा था साइंस लेने से पहले जो चाकू से कट जाता है जो फट जाता है सोडियम मेटल तो सोडियम मेटल हम कब जाने जब हमने साइंस के लिए तो पता लगा यार ऐसा भी कोई मेटल होता है जो चाकू से कट जाता है लेकिन असली मेटल लोहे का लोहे लोह, असली मेटल मेटल तो वो स्ट्रेंथफुल होते हैं जिनमें पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है तो मैं चेक कर लेती हूँ जरा पहला पॉइंट है एल्कली मेटल्स एल्कली मेटल्स जो भी होते हैं उनके पास सिर्फ एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जैसे लिथियम के पास एक सोडियम का टू एट वन लीथियम टू वन एक सोडियम टू एट वन एक फिर टू एट एट वन एक

इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं टाइटेनियम की मैं बात करूं तो 3d2 4s2 चार पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो इसका एक है फिर इसके दो हैं वेनाडियम की बात करूं तो 3d3 लो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए 4s2 ठीक है क्रोमियम देखो 3d5 4s1 पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और फिर उसके बाद तुम मैंगनीज देखो 3d5 4s2 आयरन देखो 3d6 क्या तुम ये देख सकते हो कि जहां पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या alkali और एल्कलाइन में वन या टू थी वहां ट्रांजिशन में कोई सीमा ही नहीं दिख रही है हमको थ्री डी में ठूसे पड़े इलेक्ट्रॉन ढेर के ढेर तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेंथफुल मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ बढ़ता है जो कि आप क्लास ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी आपको थोड़ा आइडिया होना जरूरी है ठीक है और स्मॉलर द रेडियस ऑफ एटम शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ वो तो ये तो फर्जी पॉइंट है तुम पढ़ चुके ऑलरेडी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं बेटा अटोमिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है हल्की हल्की तो जीके है जस्ट अपने नोट्स में पॉइंट डाउन पॉइंट डाउन करने की बातें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है डायमंड सॉलिड है हार्डेस्ट सब्सटेंस मेटालिक सॉलिड सेकंड हार्डेस्ट होते हैं मेटल से ज्यादा डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है डायमंड मेटल को काट सकता है और फिर मोलिकुलर सॉलिड जैसे बर्फ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मॉलिकुलर तो ये इनके हमने स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा रखा है ठीक है फिर कोविलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो काफी अच्छा उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है फिर मेटालिक बॉन्ड फिर वरव डायमंड में सिलिकन के जो कंपाउंड होते हैं जिन नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हाई के होते हैं उनके कोविलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद पीरियडिक वेरिएशन जिसमें तुमको कुछ चीजें याद करनी मैं अभी याद कराऊंगी इन द चैप्टर्स चैप्टो

मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो ध्यान रखना फरीहा बेटा किडनी स्टोन्स में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत पेन होता है आई विल प्रे टू गॉड कि तुम जल्दी ठीक होके फटाफट से घर आ जाओ बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ है ना हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वाचिंग माय सेशन फ्रॉम हॉस्पिटल बेटा आई एम फीलिंग लकी दैट आई हैव गॉट सच स्टूडेंट्स इन माई लाइफ

शाबाश हिलियम यहां जयतापुर ने सही आंसर किया है हिलियम नॉन मेटल पूछा था क्रिएशन विद शाबाश प्रकृति वेरी 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 गुड 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 तो it, ये सिर्फ पेन डाउन करने की चीजें हैं कि एस ब्लॉक में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिग्री सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी हो चुका है तो इसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लें एंड दट सेट फॉर टुडे ये क्वेश्चन करके दिखा दें करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग मेटल्स जल्दी से वेरी गुड सही करेक्ट ऑर्डर बताओ इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताओ मैंने अभी भी तुमको एक पॉइंट बताया था कितने बच्चों को वो है। आए, मैंने इंस्टा पे भी तुम्हारा मैसेज देखा था बेटा अरे हमने ऑर्डर लगाया क्रोमियम के पास में सबसे ज्यादा पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है वेनाडियम के पास तीन होते हैं उसके बाद टाइटेनियम में दो होते हैं और स्कैंडियम में एक होता है तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इक्रीजेस बिल्कुल सही है, अरे हंस बेटा वेरी गुड दैट्स इट फॉर टूडे बेटा एंड नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे दोस्तों को बुला के ले आना अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महाशुभारंभ करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट क्लास जई काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हैं ठीक है इसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के थ्रू आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलेगी रिकमेंडेशन मिलेगा नो अबाउट द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर आप अच्छे से जानिए एंड उसके अलावा आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच क्या आपको जैसे क्योंकि जेई मेंस के बाद अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए क्या करना चाहिए तो उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट की गई है एकेडमी के थ्रू बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है सितंबर 4 से 10 ये चलेगी उड़ान कोर्ट के थ्रू आप रजिस्टर करें और इस काउंसलिंग का बेनिफिट uh, उठाएं उसके बाद क्रैक अनसेट ये बेटा बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है हंड्रेड परसेंट आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है आई टीजी कैटेगरी में भी हो रहा है ट्वेल्थ कैटेगरी में हो रहा है में में हो हो रहा रहा है है साइंस साइंस नॉन सब में ये वाला एग्जाम जो हो रहा है आपको उड़ान कोड यूज करके इसको रजिस्टर करना है एक्सक्लूसिव एक्सेस तो टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप हमारा जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है उसमें आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल सकती है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो ठीक है और उसके अलावा यूरो स्पेस सेंटर ऑसमली अमेजिंग यूरो स्पेस सेंटर में आप ट्रिप

क्या आप इसको और बढ़िया बनाओगे रिजल्ट को इस रिजल्ट को और भी बेहतरीन बनाना है उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बेटा ठीक है यहां और तस्वीरें आएंगी उसके लिए भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ऑल राइट अन अकेडमी लाइट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बेसिकली आपने घर बैठे बैठे बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं बहुत आदत होनी चाहिए आप जब मेन मैच खेलने चाहते हैं उससे पहले ढेर के ढेर प्रैक्टिस मैच अगर आप खेलेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता लगेगा वीकनेसेस का भी पता लगेगा जिसके लिए बेहतरीन आइडिया हर जगह एक्सपीडेंट टेस्ट जरूर ज्वाइन करता है ठीक है और नाइन थाउजेंड में आप उड़ान कोड यूज करके इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं योग

एंड आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा जिससे आप बात कर सकते हैं कभी भी जब भी आपको जरूरत हो तो ये क्योंकि इसमें फीचर्स एक्स्ट्रा है तो इसका थोड़ा सा प्राइसिंग हायर साइड है तो अगर आप ले सकते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि यार आइकॉनिक ले लो ठीक है लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मैम हमको ये एक्सपेंसिव पड़ता है तो मैं कहूँगी प्लस ले सकते हो दिस इज इक्वली बेनिफिशियल एंड उड़ान कोड यूज करना ना भूले ठीक है उड़ान कोड आप यूज करना ना भूले उड़ान कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा आप हो तो हम हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ओके चलो टाटा बाय बाय सी यू ऑल बाय बेटा बाय फरीहा मैं ध्यान रखूंगी बाय बाय